जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सब लोग? ठीक है? हाँ, क्योंकि अब मौसम कैसा हो रहा है हमारा? साफ़ हो रहा है, अब उतनी काफ़ी ठंड नहीं है, तो हमारा क्या है, यही पढ़ाई का सही समय है। ठीक है, और हमारा क्या होने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो हमको क्या करना है, अपने पढ़ाई पे भी फोकस करना है। ठीक है, चलिए आज से मान लीजिए हमको, जैसे आपको पता है कि मेरा क्या हो रहा है, रिवीजन वर्क हो रहा है, दोहराने का कार्य कर रहे हैं ना सब लोग। पाठ्यपुस्तक की पुस्तक निकालिए, पहला ही पेज निकालिए, उसमें देखिए दिया हुआ है कविता। कौन सी कविता है? मूछ नहीं है पूछ नहीं है। जैसे आप इसमें ध्यान दीजिएगा, दिया है कविता, मूछ नहीं है पूछ नहीं है, पेज नंबर एक पे। ठीक है, हो सकता है आपकी पेपर में आ जाए पहेली, हमने पहेली लिख के दे दिया कि चुपके से मैं आती हूँ और दूध सारा पी जाती हूँ, म्याऊं म्याऊं बोलकर चूहों को डराती हूँ, बताओ कौन हूँ मैं। तो आपको इस बॉक्स में क्या लिखना होगा? बिल्ली। ये भी आपके पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आप इसको क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, फिर से दोहरा लीजिए। ठीक है, अब दिया है जैसे यहाँ पे कि पढ़ने की तरफ से आओ, पढ़े पठन दिया है कि एक चूहा था और उसकी मूंछ और पूंछ बिल्ली ने खा ली थी। अब आगे पढ़िए, मतलब एक बता रहा है कोई, तो हो सकता है आपके पेपर में ये आ जाए कि कोई अपनी पाठ्यपुस्तक से कोई एक कविता लिखिए, 8 लाइन की या 10 लाइन की या कविता लिखिए, ऐसे भी किसी तरह से भी आपके पेपर में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए आपको सारे सिलेबस को क्या करना है, सारे पार्ट को क्या करना है, पढ़ना है, टच करना है। तो आइए देखते हैं कि रोता रोता चूहा बोला कैसे बात बताऊं, अब डरता हूं उससे मैं, जो कहती तुझको खाऊं, जो कहती तुझको खाऊं, समझे, जो कहती तुझको खाऊं। तो इसमें हो गया ये आपका 4 लाइन, 1 2 3 4, 4 लाइन हो गया ना। तो हो सकता है आपके में दे दे कि पेपर में कि अपनी पाठ्यपुस्तक से एक कविता लिखिए, तो आपका आपके वो पुस्तक में और दे दे ये वाला लिख सकते हैं कि रोता रोता चूहा बोला कैसे बात बताऊं, अब डरता हूं उससे मैं, जो कहती तुझको खाऊं। तो हो सकता है बहुत बच्चे इसको लिखेंगे और इसकी आगे वाली जो लाइन है, या फिर दे देगा कि 8 लाइन की कविता लिखिए। ठीक है, कुछ भी दे सकता है। तो इसलिए हमको सारे अपने पाठ को क्या करना है, पढ़ना है। आइए इस लाइन के बाद से, इस पंक्ति के बाद से कौन सी पंक्ति आएगी, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए इसके आगे दिया है यहाँ पे कि मूछ नहीं है पूछ नहीं है, कुछ भी समझ ना पाऊँ, कहाँ मूछ है कहाँ पूछ है, कैसे मैं बतलाऊँ। ठीक है, फिर आगे दिया है कि बिना मूछ के बिना पूछ के चूहा ही कहलाऊँ, सभी ठिठोली करते रहते मन ही मन घबराऊँ। आप सोच रहे होंगे मैम इतना जल्दी पढ़ा रही है, हाँ इसका व्याख्या हम पहले ही बता चुके हैं, इसको अच्छे से समझा भी चुके हैं, इसलिए बस हम आपको कविता पढ़ के बता रहे हैं कैसे आपको याद कर लेना है इसको। और आपको सिर्फ इसमें ध्यान दीजिए क्या करना है कि लिखना है, जैसे मूछ गई है पूछ गई है, ठीक है, सबसे मैं शर्माऊँ, रोता रोता पूछूँ सबसे, कैसे जान बचाऊं। चलिए ये हो गई आपकी एक कविता। अब एक कविता के बाद से एक और कविता आपके में, कौन सा, मेला। तो आप पेज नंबर जो जिसपे मेला पाठ का दिया है उसको निकालिए, क्या जिसमें मेला कविता दिया है उसको निकालिए, उसमें देखते हैं क्या दिया है, आइए चलिए देखते हैं। पेज नंबर है आपका क्या है, दिया है पेज नंबर, चलिए मेला मिल गया, पेज नंबर 44 पे दिया है कविता मेला, उसमें देखिए यहाँ पे दिया है कि आओ पढ़ें। ठीक है, चलिए आइए देखते, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेला, पेज नंबर 45 पे दिया है कि लगा हमारे गांव में मेला, रहा न कोई आज अकेला, सब साथी जल्दी ही जागे, हो तैयार मेले में भागे, चाट पकौड़ी खूब उड़ाई, जीभ जली तो मिली मिठाई, शरबत मीठा बर्फ़ मलाई, कुल्फी मिलकर सबने खाई, बिजली के झूले झूले, जी चाहे सब नब को झूले, देखा जादू का एक तमाशा, समझ न पाए उसकी भाषा, देखा हमने दिन भर मेला, रहा न कोई आज अकेला। आपको देख रही इसमें क्या कह रहा है कि आज हमारे गांव में क्या लगा है, मेला लगा है। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि हमारे पुस्तक में दो ही कविता दी है, मेला और मूछ नहीं है पूछ नहीं है। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, इस कविता में दे सकता है कि अपनी पाठ्यपुस्तक से 8 लाइन की कविता लिखिए, या फिर दे सकता है कि अपनी पाठ्यपुस्तक से कोई एक कविता लिखिए, या फिर बस दे देगा कि मेला पर कविता लिखिए। तो हमको क्या करना है, दोनों को पढ़ना है, दोनों कविता को पढ़ना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए आगे क्या कह रहा है इसमें, इसमें देखिए दिखाई दे रहा है आगे कि अपनी पाठ्यपुस्तक की किसी एक कविता को लिखिए, अपनी पाठ्यपुस्तक से। ये देखिए यहाँ पे पाठ्यपुस्तक से लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है कि पाठ्यपुस्तक से किसी एक कविता को लिखिए, लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे कि आप दोनों कविता को अलग अलग पेज पे आज लिख के भेजिए जी। और इसको मतलब वही लिखिएगा जो आपको याद होगा, ये नहीं कि बुक से लिख लिए, चीटिंग करके लिख लिए हैं, नहीं, आपको जो याद होगा उसी को करना है। हमने दोनों को पहले समझाया, इसीलिए पढ़ाया है, आपको दोहरा ले, रिवीजन हो जाए, फिर इसके बाद से लिखना है। दोनों आप लिखिए, किसी एक में लिखा है पेपर में, किसी एक में हो सकता है, या दोनों दे दे, या 8 लाइन का दे दे। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए, आप दोनों में से किसी एक को लिखने के लिए हम बोले थे, लेकिन आपको दोनों लिखना है अलग अलग पेज पे। ठीक है, पहले लिख लीजिए मेला, ऊपर कविता लिख के आज का डेट डाल के, और उसको सुनाइए भी, और कॉपी में सुंदर सा लिख के व्हाट्सएप पे भेजिए। फिर दूसरी कविता लिखिए, मुझ नहीं पूछ नहीं, फिर डेट डालिए, फिर उसको करके अच्छे से उसको भी सुनाइए, और उसको वैसे व्हाट्सएप पे भेजिए। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।